लाइक कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बहुत लाखों में लोग देखने ला रहे भाई सब्सक्राइब वीडियो नहीं करते सब्सक्राइब कर लो चैनल को लगातार अपडेट देंगे चम है यानी कि आवाज़ फिल्टर करने का जो तरीका है और बाकी कसाना हो गया अमर हो गया इनका थोड़ा अच्छा है इनका अच्छा है थोड़ा सा अच्छा ये बताओ पूरे इंडिया में कहाँ का डीजे बेस्ट है क्या करें वो कह रहे हैं कि झारखंड वाले जो आए हैं उनको मतलब जनरेटर छोटा पड़ गया नहीं ऐसा कुछ जनरेटर 250 के भी उसके आउटपुट के हिसाब से छोटा नहीं है बट क्या है मेरे हिसाब से लगता है कहीं ना जनरेटर में प्रॉब्लम होगी तभी उसको प्रॉब्लम होता है। अच्छा जो ये झारखंड वाला सर्जन आया कि कह रहे हैं ऐसी इसकी पावर है कि गला मतलब एक्चुअली क्या ना देखिए वो गला पकड़ने वाली क्या गला पकड़ने वाली सिस्टम है कि देखिए ये देख सकते हैं आप पूरी तैयारी हो गई है डीजे कसाने की और भाई साहब एकदम आज टेस्टिंग होगी क्योंकि आज 26 तारीख है और 26 तारीख को जो है टेस्टिंग बोली थी 7 बजे लगभग टेस्टिंग है इसकी। तो आइए थोड़ा सा पब्लिक का रिव्यू लेते हैं और काफ़ी आपका प्यार है मिल रहा है चैनल को और काफ़ी भाई आए हैं देखने के लिए। कहाँ से आए हो भाई? कानपुर से भैया। कानपुर से आए हो? कानपुर से डीजे देखने आए कसाना। इतनी दूर से? इतनी दूर से डीजे देखने आए हो? खाली कसाना देखने आते हैं हर साल आते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा हर साल आते हैं डीजे देखने? कसाना डीजे देखने आते हैं और कोई डीजे देखने? हां झारखंड का भी तो आया देखते हो? वो तो देखेंगे सर्जन वो टेस्टिंग इंटरव्यू नहीं आया उनका अभी जनरेटर उनका आया नहीं ना अभी अभी नहीं आया। बताओ कौन सा डीजे बेस्ट लगे यहाँ? अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब चेक होगा तभी पता चलेगा। पर साल तो कसाना बेस्ट गया था अब इस साल पता नहीं कौन सा जाए टेस्टिंग हो तो पता चले कौन सा जाएगा। टेस्टिंग होगी जब पता चलेगा तब पता चल जाएगा। हर साल इसको देखने आते हो कसाना को क्या सर? हर साल यही जाता ही है हर साल नंबर वन पे यही जाता है कसाना। भाई देखो एक कसाना डीजे देखने के लिए ऐसे भेज लें वो भी देख के आए हो? हाँ वो भी देख के अभी टेस्टिंग नहीं हुई ना तो जनरेटर आया उनका टेस्टिंग नहीं हुई सभी को देखा टेस्टिंग नहीं हुई अभी सभी को देख लिया टेस्टिंग अभी शुरू नहीं हुई किसी की टेस्टिंग देखी नहीं अभी तक? अभी देखी थी एक लोगों की देखी थी वो देव डीजे नहीं देव उसकी देखी। अच्छा यहाँ पर कोई सा डीजे आया सर भैया क्या लगता है अभी जैसे चलेंगे कांवड़ यात्रा क्या लगता है होगा तब पता क्योंकि वो भी 1600 किलोमीटर से चल के आया यहाँ पे वो भी हड़के में नहीं है तो तगड़े में जब बजेगा तभी पता चलेगा अभी किसी ने सुना भी नहीं उसको चालू हो तब पता चलेगा कितना है। सुना है एक नंबर अब आमना सामना होगा तब पता चलेगा। बहुत दूर दूर से आए भाई बिहार से भी आए यहाँ पर झारखंड से भी आए देखने के लिए कुछ भाई आए हैं उस तरफ खड़े हैं और बाकी और कहीं से कहाँ से आए भाई सारे उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी से आए उत्तराखंड से ही यहीं से हो तुम तो आए बड़ी दूर से हो कावड़ लेने आ रहे हो क्या? नहीं ऐसे घूमने डीजे देखने ये भाई साहब डीजे देखने आए भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज डीजे हाईटेक है मैं पटना से हूँ। अच्छा हाँ बिहार पटना से आए हो? हाँ अरे इधर चलेंगे आज थोड़ा ये यहाँ पे खड़े होंगे। अरे भाई ये बताओ पटना से आए आप? हाँ क्या करें डीजे लेके आए हो? नहीं डीजे नहीं सिर्फ डीजे देखने आए हैं। अच्छा खास करके फॉर्चूनर से आए? अरे वाह फॉर्चुनर से आए भाई बिहारी हो? हाँ बिहारी है पटना। हाँ अच्छा डीजे देखे कौन सा बढ़िया लगा? अभी तो कुछ नहीं है बस 2 घंटे में सब चालू होगा डीजे ये वाला। हाँ ये सब टोटल होगा चालू। हाँ चालू आज होगा। हाँ आज टेस्टिंग में टेस्टिंग लगेगी। हाँ टेस्टिंग तब मजा आएगा शाम को 2 घंटे बाद। हाँ हिला के रख देंगे सिस्टम है ना अभी तो देखिए चालू होने के बाद ना पता चला कौन ही लेगा कौन ही लेगा आपके हिसाब से पहले अंदाजा लगाया तो अभी सार्जन ही लेगा और क्या झारखंड किंग सार्जन ही लेगा या हिलाएगा? नहीं हिला देगा सबको हिला देगा। हाँ पक्की बात है क्या? पक्की बात है क्या? पक्की बात है सभी सबके बात है और क्या। अच्छा सार्जन है टेस्टिंग मारी है वगैरह जबरदस्त टेस्टिंग मारी है सब टोटल माल है नहीं टोटल माल न्यू है। अच्छा हाँ टोटल माल न्यू है। अच्छा बिहार से आए बिहार का भी कोई डीजे है क्या? टोटल डीजे है बिहार भी सब किंग डीजे है सब। अच्छा कौन कौन से डीजे है बढ़िया? हाईटेक डीजे किंग डीजे है टाइगर डीजे है टाइगर। हाँ और किंग? हाँ लेकिन ऑडियंस पहचान लेगी वो क्या सच सच बताना दोनों टक्कर का डीजे है बिहार में। अच्छा ऐसे डीजे है वहाँ बिहार में सब है माया डीजे माया ऐसे डीजे है वहाँ पे बिहार में जैसा सेटअप ही है यहाँ पे दो डीजे है टाइगर डीजे किंग डीजे। अच्छा हाँ दोनों टक्कर में है। अच्छा डीजे के बारे में क्या कुछ जानो? सब टोटल चीज जानते हैं जो चीज पूछ लीजिए। अच्छा हाँ
खुद ही डीजे का मालिक है, किंग डीजे। आप डीजे के मालिक? हाँ। अरे वाह, फिर तो भाई बढ़िया होगा। अच्छा, फिर तो समझ गए हो गया आप। हाँ, पूछिए भाई, क्या क्या सिस्टम लगाया है इन्होंने, किसके ज्यादा है किसके कम है? टोटल अभी माल तो सबसे ज्यादा साजन पे है। हाँ, टोटल माल न्यू है। लगता है कि भाई साजन अब की बार का किंग होगा यहाँ का। हाँ, किंग है, झारखंड किंग है, यहाँ पर आके उत्तराखंड का किंग है, किंग बन गया है। बन गया ना। हाँ। तो अभी ये किंग थे जिसने डीजे बजाना स्टार्ट किया, कसाना डीजे ने। कोई बजाए चाहे नहीं बजाए, लेकिन अभी भी साजन डीजे किंग है, सामान देख करके ही। अभी किंग है? हाँ, अभी भी किंग है, सामान देख करके ही। अच्छा जी, उसमें ज्यादा है मतलब 35 बेस बता रहे? अरे 35 बेस है, चाहे 100 बेस रहे, वो 10-20 बेस भी रहेगा ना, इसको हिला कर डाल रहे हैं। कसाना कोई डीजे रहे, धड़कन रहे, रामन रहे, सबको हिला देगा 10 बेस में ही। अच्छा जी। हाँ जी, क्या बात है। आप कहाँ से आए हो भाई? हम तो झारखंड से आए भैया। झारखंड से ही हो? अरे वाह, क्या बात है, मजा आएगा भाई। देखो भाई, ये झारखंड से भाई आया, मैंने यार झारखंड वाले को ही ढूंढ रहा था। अच्छा, झारखंड हो रही है यहाँ पर, सर्जन हो रही है। क्या कुछ कहोगे? क्या नाम है आपका, पहले नाम बता। मेरा नाम है सनी। सनी, मेरा सिस्टम चलता है सनी डीजे के नाम से। अच्छा, डीजे चलाते हो आप? अच्छा, यहाँ पे देखने के लिए आए हो या फिर सेटअप लेके आए हो? साउंड का बड़ा मेला है यहाँ पे, तो इसीलिए देखने के लिए आए। अच्छा, क्या देखे आपने, आए हो यहाँ पे? एक से एक बढ़कर डीजे है, एक से बढ़कर नाम है उनका, और सार्जन भी आया 16 किलोमीटर आपके वहाँ से। ये बताया जाता है किंग है वहाँ का, बढ़िया डीजे है, नाम चलता है। ऐसा कुछ नहीं है, बट क्या है कि अपने जगह पे सबको किंग होता है। अब यहाँ पे सारे किंग खड़े हुए हैं, तो अब देखा जाएगा कौन सा कौन किंग है। मैदान में पता चलेगा। हाँ, मैदान में ही पता चलेगा कौन किंग है, कौन क्या है। लेकिन सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई चलो इतनी दूर से आया तो। हाँ हाँ, है ना, उम्मीद लगाए हुए हैं, तो अपने हिसाब से तो कहीं भी अच्छा ही करेगा। अच्छा, आप यहाँ, आप तो झारखंड के, आप तो सही बता सकते हो कैसे कुछ क्या सिस्टम चलता है उनका। सिस्टम उसका मैनुअल ही है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है वैसा, मीडियम सेटअप है। अच्छा अच्छा। अरे यहाँ के आपने डीजे देखे आकर के, कसाना डीजे है बहुत सारे हैं, उनको देख करके और उसको देख करके कुछ लगे फर्क कि भाई किसमें क्या कुछ फर्क है? थोड़ा तो डिफरेंट है इन लोग का काम करने में, उसका काम करने में तरीका में अंतर है। अंतर है? हाँ। क्या अंतर है इसमें? उसका काम थोड़ा शॉर्ट तरीके से, इसका थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से। इनका प्रोफेशनल तरीके से है वो शॉर्ट, क्या उन्होंने ट्रक में लगाया इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका बजाने का सिस्टम, क्योंकि हम भी साउंड ऑनर है, तो हमको भी इस बारे में आइडिया है क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो उनका जो प्रोसेसिंग का सिस्टम है, यानी कि आवाज़ फिल्टर करने का जो तरीका है, और बाकी कसाना हो गया, अमर हो गया, इनका थोड़ा अच्छा है। इनका अच्छा है थोड़ा। अरे बताओ, पूरे इंडिया में कहाँ का डीजे बेस्ट है? मैंने एक इंटरव्यू किया था परसों, किया था, महाराष्ट्र से आए थे कुछ डीजे ओनर, आप जैसे आप हो। हाँ। वो कह रहे थे कि हमारे वहाँ डीजे ऐसे है, ये बहुत पीछे है अभी, मतलब एक्चुअली क्या है ना, वो पर कमेंट करे ना, तो बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करे कि भाई साउंड फेंक रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, यहाँ का डीजे बेस्ट है, झारखंड वाला बेस्ट है। कि हम भी साउंड ओनर है, तो थोड़ा सा अपना ओपिनियन देंगे कि बेस्ट तो सारा है, ऐसा नहीं किसी को हम बुरा भला नहीं बोल सकते, बट क्या है पूना साइड में थोड़ा सा उन लोग रिसर्च ज़्यादा करते हैं साउंड के पीछे। अच्छा। वो क्लियरिटी पे ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा जी। हाँ, क्लियरिटी पे? हाँ, क्लियरिटी पे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, यहाँ का जो साउंड है वो बेस पे है या फिर वैसे आवाज़ भी होती है? अभी तो सुने नहीं है, सुनने के लिए तो चार बार आए हैं, मैं सुने नहीं, अब सुनेंगे तो फिर बताएंगे। हाँ, ये बात है। क्वालिटी भी तो होती है ना भाई, वॉइस कैसी है उसकी? क्वालिटी समझ में आया तभी तो उतना दूर से सुनने के लिए आए। बिल्कुल, ये बात है। क्योंकि हमारे यहाँ अमर डीजे भी यहाँ गए हुए थे मेरे यहाँ, और जिस जगह पे हम काम करते हैं वहाँ पे वो भी काम करके आए हैं 2 साल। अच्छा अच्छा। इस बार शर्मा डीजे भी गए थे वहाँ पे काम करने। अच्छा, वो कहाँ पे? झारखंड में? झारखंड में चतरा काम करने गए थे। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम भी अपना सेटअप लगाते हैं। यहाँ पे किस किस का, मतलब किस किस का डीजे देखे, किस किस का नाम सुना है, क्या क्या कुछ? नहीं, नाम तो ज़्यादा सुने कसाना, अमर चौधरी, रावण। अच्छा, रावण। और धड़कन। धड़कन। तो भाई देखो, बहुत सारे नाम है भाई। अच्छा, मेरठ से आते हैं सभी डीजे ज़्यादातर। हाँ। वैसे तो गाजियाबाद से भी है, दिल्ली से भी है, नोएडा से भी है, लेकिन ज़्यादातर मेरठ का ही नाम फेमस होता है। यहाँ पे देख करके क्या कुछ लगा, सभी डीजे इतने सारे नाम हैं। फेमस उसी का होता है जो अपने सिस्टम में अच्छा से काम करता है, मतलब वो चलाने का उसका जो एक्सपीरियंस है, वो बारीकी है, थोड़ा सा अच्छा से उसको चलाने को जानता है, तो उसका नाम होता है। अच्छा, ब्रांड भी कुछ चीज़ होती है? ब्रांड तो चीज़ होती है, मैं ब्रांड उस आदमी में होना चाहिए जो उसको ऑपरेट करता है। अच्छा। हाँ, वो आदमी अगर अच्छा ऑपरेट करता है
तो थोड़ा ढीला सामान को भी वो अच्छे से बजा सकता। अच्छा जी, हाँ हम लोग खुद का किए हैं, अपना भी एक्सपीरियंस है। ओरिजिनल लोकल में कुछ फर्क नहीं होता? हाँ लोकल में क्या, ओरिजिनल में थोड़ा फर्क होता ही ना, क्योंकि उसका स्पीकर का पेपर वगैरह जो भी है उसका क्वालिटी और ओरिजिनल का क्वालिटी में अंतर है। अच्छा, जैसे स्पीकर हो गया है, कंपनी पैसा ले रही है तो कुछ तो काम करके देगी ना। हाँ। ऐसी किसी को लूट तो थोड़ी ले रही है कंपनी। हाँ। लूटना रहता तो कंपनी सारा बंद हो जाता। बिल्कुल। अच्छा, बेस्ट कंपनी कौन सी जा रही है म्यूजिक के जो पार्ट्स देती है? देखिए बेस्ट बोला जाए तो बहुत सा ऐसा कंपनी है जो हम लोग का हाथ से भी ऊपर है। अच्छा अच्छा, ऐसे हो गया BNC हो गया, RCF हो गया, JBL हो गया, ये सब कंपनी थोड़ा सा बेस्ट है। इन्होंने किस कंपनी का लगाया कुछ भैया? मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। उनका एम्पलीफायर जो है वो अच्छा ब्रांड का है, मैं भी यूज करता हूँ। अच्छा। जायफर का एम्पलीफायर MT दोनों मैं सेम यूज करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो मैं तो अपना सिस्टम में जायफर MT को यूज किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिला और काम भी मेरा अच्छे पैमाने से है वहाँ पे। अच्छा, मैं हरियाणा और पंजाब में देखूँ तो ट्रैक्टर वगैरह पे म्यूजिक सिस्टम लगाते हैं वैसे छोटे छोटे, तो इसमें एम्पलीफायर का ज़्यादा रोल होता है या फिर स्पीकर का भी क्या होता है? नहीं, रोल तो सबका है। स्पीकर बढ़िया रहेगा तब तो एम्पलीफायर उसको आउटपुट देगा तो उसको बैलेंस कर पाएगा। अगर मशीन ही ज़्यादा वाटेज कर दे, अगर अच्छा मिल गया स्पीकर थोड़ा ठंड क्लास है तो उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा वैसा लगाने से। तो दोनों चीज़ें बढ़िया, दोनों बेस्ट होना चाहिए तब आके क्वालिटी बाहर निकलती है। लेकिन बजाने वाला भी होना चाहिए? हाँ, बजा या उसकी सेटिंग करते हैं उसकी। एक लाइन में मैंने थोड़ा सा पहले यही बोला ना। हाँ। कि मेन मुद्दा है कि जो बजाने वाला है उसका एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो क्या बजाना चाहता है। अच्छा, मतलब वो भी पता करना पड़ेगा अभी क्या बजाना है। वो तो गाना तो उसको तो पता है क्या बजाना है पब्लिक की डिमांड पे, बट क्या है ना उसको सिस्टम पता होता है, जो मेरे भाई लोग जो साउंड ऑपरेट करते हैं, कि हमको कैसा म्यूजिक आगे आउटपुट देना है, क्या करना होगा, बेस ट्रेबल जो भी है उसका सिस्टम वो सब क्या है, जैसे किसी का लो का फ्रीक्वेंसी कितना दूर पे उसको सेट करें जो थोड़ा आगे बजे थोड़ा पीछे बजे, ये सब बाकी लोग को पता नहीं होगा, साउंड वाले लोग अच्छे से जानते हैं इस बात। अच्छा भाई, ये और बताओ, आप काफ़ी नॉलेज है आपको, काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस आप चलाते हो, तो जनरेटर वगैरह ये 250 KV मतलब हाईएस्ट में 500 KV भी लाइट इनको चाहिए, तो लाइट इतनी कहाँ से लेके आए हैं, क्या करें? वो कह रहे हैं कि झारखंड वाले जो आए हैं उनको मतलब जनरेटर छोटा पड़ गया। नहीं, ऐसा कुछ है? जनरेटर 250 के भी उसके आउटपुट के हिसाब से छोटा नहीं है, बट क्या है मेरे हिसाब से लगता है कहीं ना जनरेटर में प्रॉब्लम होगी तभी उसको प्रॉब्लम होता है जनरेटर। हाँ, 250 KV भी कम नहीं है, हम लोग भी उधर 125 KV से भी काम कर लेते हैं, अच्छा काम। अच्छा जी, तो कोई दिक्कत नहीं होती जनरेटर का अच्छा हो तो। अच्छा, आप महाराष्ट्र गए हो मतलब? हाँ, गुजरात साइड, गुजरात में गए हो? महाराष्ट्र साइड में मेरा बहुत सारा दोस्त है। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत सारे दोस्त है। गुजरात में भी गए हो? गुजरात में मेरा पुणे साइड में ज़्यादा दोस्त है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो कैसा कुछ सेटअप है यहाँ का देखे आपने भाई? आप झारखंड में भी रहते हैं, क्या है ना सर उत्तर प्रदेश का क्या? ये एक्चुअली क्या है ना कि उत्तर प्रदेश हो गया या हम लोग यहाँ भी, अभी क्या है ना कि ज़्यादा बेस पे फोकस हो रहा है, बेस ज़्यादा चाहिए, लाउडनेस चाहिए, और अभी क्या है महाराष्ट्र में थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज क्या हुआ है कि उधर पंच लाइन का साइड ज़्यादा उसको प्रेफर करता है लोग। अच्छा। थोड़ा पंची साउंड जो सुनने में क्लियरिटी लगे और थोड़ा सा अच्छा लगे वो साउंड उधर ज़्यादा चलता है। अच्छा, बेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, बेस है मगर उसका क्या है ना, जैसे एक्चुअली क्या है ना, ये चेस्ट थम्पिंग वाइब्रेशन साउंड जो होता है ना उससे थोड़ा सा डिफरेंस करके वो पंची साउंड ज़्यादा पसंद करती है उधर का पब्लिक। अच्छा, जो ये झारखंड वाला सार्जन आया कि कह रहे कि भी ऐसी इसकी पावर है कि गला मतलब एक्चुअली क्या है ना, देखिए वो गला पकड़ने वाली क्या गला पकड़ने वाली सिस्टम है कि देखिए कॉइल का वाटेज वॉइस कॉइल का साइज ज़्यादा होगा, 6 इंची वॉइस कॉइल वाला स्पीकर बजेगा तो ऑटोमेटिक एक आदमी का कंठ सूखेगा अगर ज़्यादा मात्रा में स्पीकर होगा तो, और थोड़ा वाटेज कम होगा तो उसमें क्या होगा कि उसको पंच साइज ज़्यादा मिलेगा। तो मैं तो ज़्यादा पंच पसंद करता हूँ, मैं बहुत लोग को तो वाइब्रेशन ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए तो बड़े बड़े स्पीकर लग रहे हैं आजकल। अच्छा, ये वाइब्रेशन जो शीशे को भी क्रैक कर सकते हैं? वाइब्रेशन से भी शीशे क्रैक होते हैं, पंच से भी होते हैं। लेकिन मैंने कसाना साहब से बात करी थी कि भाई चेक कितना बड़ा डीजे हो शीशा क्रैक नहीं कर सकता, ये बात? नहीं नहीं, कि शीशा क्रैक हो सकता है ऐसा नहीं है, बट क्या है कि वो डिपेंड करता है वो किस एंगल में है, अगर फेस टू फेस कोई शीशा है तो टूट ही जाएगा, और थोड़ा सा क्या है कि खुला एरिया है तो वहाँ पे शीशा टूटने का चांस कम रहेगा, कम रहेगा। और थोड़ा सा पैक एरिया, जैसे यहाँ तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो NH में साउंड चल रहा है, हम लोग तो वहाँ पे ज़्यादातर सीटीम चलाते हैं तो सीटीम में क्या होगा, शीशा गिरता है, फ्लेक्स गिरता है, हम लोग जहाँ पे बजाते हैं उस टाइप का वहाँ पे इस तरह से कुछ कुछ इफेक्ट आता है, ये शीशा गिर गया। मेरे पास बहुत सारा वीडियो में भी ऐसा है
कि फ्लेक्स गिर रहा है, शीशा हिल रहा है, कुछ कुछ बर्तन उतन चाय वाला दुकान का सामान सारा गिर गया, इस तरह का इफेक्ट आता है। अच्छा, ये डीजे ट्रोले में लगा है, इसमें सही है सेट ये कर रखा है? नहीं, सेटअप तो अच्छा है भैया, हम तो काफी देर से सुनने के लिए लगाए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक साल गया था अमर साउंड, ट्रैक्टर ट्रोली में लगाया। हाँ लगाए हैं, पर इतना बड़ा सेटअप नहीं है अपना, थोड़ा कम है। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कोई ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, चलो भाई पुलिस प्रशासन भी रखने चाहिए, सब कुछ देखते हुए अपना काम ठीक है। पुलिस प्रशासन क्या कुछ हल्ला थोड़े हो रहा है भाई, नहीं नहीं कंट्रोल कर रहे हैं आपस में भाई, इतने कावड़ी है ना, कुछ लगे कैसे बंदे हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, बंदे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे माहौल भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी आए हैं तो हम लोग भी सोचे क्या है, नहीं है लड़ाई झगड़ा, क्या नहीं क्या हो सकता है, बट क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, हम किसी को बिगाड़ेंगे नहीं तो हमको कौन बिगाड़ेगा। हाँ सही बात है, हम किसी को भैया बोलेंगे तो हमको ही बाबू बोलेगा ना भैया। सही बात है भाई, बोल के होता है, बिल्कुल सही बात करें। बाकी भाई चलो, क्या नाम, क्या नाम भाई आपका? मेरा तो सन्नी नाम है। सन्नी? हाँ। ये सन्नी आया भाई झारखंड से आया भाई, बड़ा यूट्यूब चैनल चलता है डीजे सन्नी झारखंड नंबर 1 के नाम से। चलो भाई मोस्ट वेलकम है भाई का, और भाई देखो जा करके, फिलहाल ये भाई कह रहे कि पुलिस प्रशासन जो है थोड़ा सख्त हो गया है, बाकी अपना थोड़ा सा सिस्टम आप भी बना के रखो, जितनी भी पब्लिक है ना, तो कोऑपरेट की वजह से थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम, कोऑपरेट करो क्योंकि पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी क्रॉड बढ़ जाती है तो उसको भी हैंडल करने में संभालने में दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। चलो भाई आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज से टेस्टिंग लगेगी इसकी, देखते हैं क्या कुछ रहेगा टेस्टिंग के लिए, तो हम भी ये वेट कर रहे हैं। कार से हम आए हैं घूमने के लिए, मेरा भाई है और भी तो दो चार लोग आए हैं साथ, तो भाई आज 7 बजे के करीब टेस्टिंग बता रहे लग रहे हैं, तो देखते हैं क्या कुछ रहेगा। तब तक के लिए लाइक कर रहे और सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बहुत लाखों में लोग देखने लग रहे भाई, सब्सक्राइब वीडियो नहीं करते, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, लगातार अपडेट देंगे, धन्यवाद।